मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजित बैठक में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रबंधन और जनजीवन की सुरक्षा के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा। व्यापक जनहित में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के संबंध में जनपद स्तरीय इंप्लीमेंटिंग कमेटी की बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी ने सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण अवश्य दिलाए जाने के दिए निर्देश। अमरोहा जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने स्कूल में नव प्रवेशित बच्चों को तिलक लगाकर लड्डू केला खिलाकर पेंसिल व किताब भेंट कर किया स्वागत। इस दौरान पेंसिल व किताब पाकर बच्चों के खिले चेहरे। जनपद बिजनौर के थानों में नए कानून को लेकर गोष्ठी का आयोजन। गोष्ठी में नए कानूनों की दी गई जानकारी। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की बैठक हुई आयोजित। मुरादाबाद कटघर थाना क्षेत्र में स्थित सेलिब्रेशन मैरिज हॉल में शादी के बीच एक महिला मैरिज हॉल पहुंची और खुद को दूल्हे की पहली बीवी बताते हुए किया हंगामा। महिला ने युवक पर 2019 में उसके साथ शादी करने का लगाया आरोप। बिजनौर जिला जेल में बंद एक विचाराधीन बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बंदी की मौत से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा के रहरा थाना के एक गांव में खेत की सिंचाई करने गए किसान की करंट की चपेट में आकर हुई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा। थाना नूरपुर पुलिस ने बाइक चोर गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 4 सदस्यों को चोरी की 8 मोटरसाइकिलों सहित किया गिरफ्तार। संभल क्षेत्र के मोहल्ला मियां सराय में खेत से वापस घर लौट रहे युवक को गोली मारने की सूचना पर पहुंची पुलिस। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टर ने गोली लगने से किया इनकार। बिजनौर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरण यादव पर गिरी गाज। शासन ने बीएसए को लखनऊ मुख्यालय से किया अटैच। अमरोहा के कोतवाली हसनपुर नगर में गाली देने से मना करने पर दबंगों ने पड़ोसी के साथ मारपीट कर किया घायल। घायल अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। चांदपुर के ग्राम दरबाड़ा में सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को वाहन चालक टक्कर मारकर फरार। हादसे में एक महिला की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। संभल में विद्युत विभाग में कार्यरत निविदा और संविदा कर्मचारियों ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार से समस्याओं का समाधान करने की मांग। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल,